पावर एन। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है? ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स। आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं बच्चे ये, ठीक है। ए टू द पावर एक्स और लॉग समथिंग आप बताओ बेटा। सर, आई एम नॉट श्योर। ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए, आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों साथ साथ। बेटे आपने नाम क्या बताया, ईशा बताया या ईशा? यस। ईशा? अच्छा, के साइलेंट आपके नाम में? नहीं सर, कीशा अच्छा, के। कीसा। ओके, ऑल राइट ऑल राइट, मुझे लगा कि शायद के साइलेंट। ओके, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए, नोट डाउन कर लो बच्चों आप ये। Powering off. Powering on. On. Connected. रिया, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्या होता है बेटा? 1/x. वेरी गुड, 1/x। कीसा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? cos x. कॉस एक्स, गुड। रिया, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स? माइनस साइन x. हेलो, हाँ बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बताओ बच्चों। x² x, सेकेंड स्क्वायर एक्स, शाबाश, गुड। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, cos x² x, -cos x² x. माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, गुड। डी बाई डी एक्स ऑफ secant x, secant x into tan x. secant x into tan x, very good. D by dx of cosecant x, cosec minus cosec x into cot x. into cot x. Cot. किसा, इफ यू डोंट माइंड बेटा, आपके राइट साइड में ये वॉलपेपर का इमेज आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, क्योंकि ऐसा ही इमेज मैंने उस पर देखा था, पान्या की डीपी पे भी यही आता है, तो मुझे लगा कि सेम सेम कैसे आ रहा है। अच्छा, ये वॉलपेपर का इमेज है। ओके, हाँ, जो सी से स्टार्ट होते हैं बच्चे, उनका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? माइनस, माइनस ऑफ जो भी है, जैसे कॉशेक एक्स, कॉशेक एक्स में है माइनस ऑफ कॉशेक एक्स होगा, कॉट है ये माइनस ऑफ दिस है, कॉस में माइनस है। सो सी वाले जितने भी है बच्चे, उनमें उनका डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव में होगा, ठीक है, याद रख लोगे आप। ये सब 11th के थे, आई थिंक आपको याद ही होंगे। अच्छा बच्चों, प्रोडक्ट टूल क्या था? U dash V plus V dash U. यू डैश वी, हाँ, अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी करते हैं तो क्या होगा? ये यू डैश डिफरेंशिएशन वी प्लस वी डैश यू, या आप इसको ऐसे कहें कि डी यू एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ V वी प्लस वी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ U. यू, करेक्ट। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू यू इन टू वी। देन आप इसको कैसे लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ दिस इज यू एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, du बाई डी एक्स। तो ऑल आर सेम। तो
आप किसी भी तरह से इनको लिख सकते हो, ये सब इक्वल हैं, राइट। क्वेश्चन रूल क्या था बच्चों, जरा बताओ। डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर इनटू द डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू द न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सपोज हमारे पास दो कोई फंक्शन है, दो फंक्शन डिवाइड में है, u एंड v, दो टर्म डिवाइड में है, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिनोमिनेटर को स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर है ना, एंड देन v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u, डी बाई डी एक्स ऑफ u, यानी कि न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करना है आपको, माइनस u एज इट इज, न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, वी का डेरिवेटिव करना है। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि इसमें बीच में नेगेटिव साइन आएगा, कोसाइन रूल में बीच में नेगेटिव साइन आता है, प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस साइन होता है, करेक्ट। नेक्स्ट आता है बच्चों चेन रूल, चेन रूल में क्या है ये, किस किस को आता है? और पहले बेस का डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद पावर का डेरिवेटिव, लाइक इनटू पावर का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन का, फिर उसके बाद वी मूव इन टू द इनर मोस्ट फंक्शन। ओके चलो, कुछ परसेंट आपने सही बताया, थोड़ा सा मैं ठीक करवा देता हूँ बच्चों। देखो जरा एक एग्जांपल से समझते हैं हम। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव आप कैसे करते हो, क्या लिखते हो इसके डेरिवेटिव को? अच्छा आप ये dy by dx लिखते हैं या नहीं लिखते हो? यस सर लिखते हैं। हाँ ये लिखना है बच्चों, y इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसको आप अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, देन यू विल राइट dy by dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ x, ठीक है बच्चों। इसके सिमिलर एक मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले हम साइन 2x का करेंगे, सो x cos 2x एंड देन 2x का करेंगे व्हिच इज 2। dy by dx अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डेरिवेटिव करेंगे, cos ऑफ एंगल एज इट इज रहेगा, जो इसका एंगल है 2x वो एज इट इज रहेगा, इनटू एंगल को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, 2x को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, करेक्ट। कीशा ये आपको आता है बेटा? यस गुड गुड, ठीक है ये समझ आया आपको, ये 2 कहाँ से आया? साइन 2x का तो नॉर्मली वैसे ही हुआ है जैसे हम 11th में करते थे, बस अलग से 2 आया हमारे पास, आपको ये समझ आ गया 2 कहाँ से आया? गुड, चलो कीसा आप बताएंगे बेटा, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x, सो व्हाट विल बी dy बाई डी एक्स? सर नेगेटिव 3 sin 3x। 3 sin 3x, करेक्ट। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम cos को डिफरेंशिएट करेंगे, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन और 3x एज इट इज रहेगा, इनटू हम एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x का डेरिवेटिव होगा 3, सो इट इज माइनस ऑफ 3 sin 3x, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन 1/x, रिया आप बताओ बेटा, अगर मैं आपका नाम थोड़ा ठीक से नहीं बोल रहा हूँ तो बच्चों आई एम सो सॉरी, एक दो दिन में शायद फर्स्ट क्लास है ना, शायद मैंने ठीक से सुना नहीं हो या लाइक एनी वे, तो होप यू विल नॉट माइंड। कैसे हुआ ये हुआ, साइन का डेरिवेटिव कर लिया हमने पहले, कॉस हो गया, वन अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा, एंगल एज इट इज रखना है, इंटू वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करना है, वन अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस वन, जिसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वन आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड वी विल डिक्रीज इट्स पावर बाई वन, सो पावर विल बी माइनस टू,
एंड वी कैन राइट दिस एज वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. ईसा आपको समझ आ गया बेटा ये? यस सर. ओके ठीक है, तो इस टाइप से हम करेंगे. ईसा एक एग्जांपल बताएंगी मुझे. वाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ रूट एक्स. वाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव बताएंगे बेटा आप. सर सेक्स स्क्वायर रूट एक्स इनटू वन बाय गुड गुड. टू एक्स स्क्वायर. देखो थोड़ा सा एरर कर दिया बेटा आपने लास्ट में. देखो टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट का डेरिवेटिव हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स. टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी एक्स नहीं लिखेंगे, एंगल एज इट इज रहेगा, रूट एक्स होगा. सो टेंजेंट का डेरिवेटिव हो गया बच्चों सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, है ना. एंड अब हम रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेपरेटली डिफ्रेंशिएट होगा. सो व्हाट इज रूट एक्स, रूट एक्स इज एक्स टू द पावर हाफ. रूट एक्स क्या है, एक्स टू द पावर हाफ. इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर को मल्टीप्लाई में लिखेंगे एंड पावर एक कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बाय वन. सो हाफ में से अगर वन माइनस करेंगे आप इट विल बी माइनस हाफ. ठीक है, माइनस हाफ को आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन टू. माइनस हाफ को आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर हाफ इन डिनोमिनेटर, राइट. एंड देन यू कैन राइट इट एज वन अपॉन टू एक्स टू द पावर हाफ इज रूट ऑफ एक्स. सो आप यहां लिख सकते हो वन बाय टू रूट एक्स. करेक्ट रिया? ठीक है बेटा. ये आपका आंसर होगा. ठीक है चलो रिया आप बताओ बेटे. वाई इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ लॉग एक्स. सीकेंट फिर से बताओ बेटा, कुछ है थोड़ा सा एरर है, ठीक करो उसको. secant log x into tan log x secant of log x good into tan of log x into 1 by x into 1 by x. कैसा ये समझ आया आपको? yes sir. okay अब आप बताएंगे बेटे y is equal to, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा. बच्चों आपके पास अभी हमने जो फंक्शन लिया था वो ऐसा था कि y is equal to कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और उसके एंगल में कोई अलग से फंक्शन था, ऐसे था. ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में एक फंक्शन था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफरेंशिएट कैसे किया इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक एज इट इज रहा, ठीक है. फंक्शन सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव हुआ और फंक्शन साथ में एज इट इज रहा. उसके साथ में जो एंगल था जैसे कि लॉग एक्स, ऊपर के एग्जाम्पल में लॉग एक्स है, उसका जो एंगल है वो एज इट इज रहेगा, इंटू एंगल का अलग से डेरिवेटिव होगा, करेक्ट. अच्छा नेक्स्ट हम मूव करते हैं. सपोज आपके पास एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन हैव सम पावर. फंक्शन हैज सम पावर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर एन. इस टाइप का जब आपके पास फंक्शन हो तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा बेटा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बिगनिंग में रिया ने बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पावर, ये पावर हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे एंड एफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन, पावर एक लेस हो जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी. फिर जो पावर के नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है. वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है. ऐसे होगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिख लेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स होल स्क्वायर. देन dy by dx इज इक्वल टू पावर को आप साइन एक्स होल स्क्वायर कैसे लिखा बेटा? जो ये पावर लिखी होती है ना बीच में, जैसे यहाँ पर कोई भी पावर लिखी है आपकी और फिर आगे x लिखा है, इस पावर का मीनिंग होता है होल पावर. साइन एक्स होल पावर, इस पावर का ये मीनिंग होता है. okay, और अगर आपके पास ये पावर लिखी हुई है एंगल के ऊपर ऐसे, तो ये सिर्फ एंगल की पावर है उस केस में. साइन ऑफ सिर्फ ये एंगल की पावर है, एक्स की पावर है.
कह दो शाम को जाना है बेटा, चले जाओ, नहीं अभी कर सकते हो ऐसे, पर आप आने चले वाले जाओ कल देखते हैं। क्वेश्चंस हाँ अपने समझ आप में से ना नहीं आए। होंगे, चलो कल करते हैं, आप जाओ। ओके बेटा, तो ये समझ आ गया कि ये उसको हम होल पावर लिख सकते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 × sin x, पावर एक लेस हो जाएगी, और जो पावर के नीचे फंक्शन उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। इनटू में इस फंक्शन का सेपरेट डेरिवेटिव होगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, 2 × sin x to the power 1 × cos x, करेक्ट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके तो 2 sin x cos x, इसको हम कंबाइंड लिख लेंगे sin 2x, ये क्लास 10th में 11th में आपने किया होगा। 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है, नेक्स्ट है बच्चों जरा देखो, y = x³ + 3x² + 2 to the power 4 किया, सॉरी मैं नाम भूल गया आपका, कीसा, सॉरी कीसा, इसका डेरिवेटिव बताओ बेटा आपका, आप क्या, आप बताओ। सर 4 × जो बेस है टू द पावर 3। 4 × हाँ बिल्कुल सही है ये, कि पावर एक लेस, पावर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, पावर एक लेस कर देंगे, ठीक है शाबाश, पावर एक कम हो गई, देन 3x² + 6x। 3x² x³ को डिफरेंशिएट किया हमने, दैट इज 3x², और 3x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 × 2x, दैट इज 6x, और कांस्टेंट 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो फाइनली यू कैन से 4 × 3x² + 6x × x³ + 3x² + 2 होल क्यूब। रिया समझ आया बेटा? ओके नेक्स्ट, y = √cos x, रिया आप बताओ। तो इसको हम 1 cos x to the power 1/2 लिख सकते हैं। तो यस, इसको हम इसके लिख सकते हैं cos x to the power 1/2, बाद cos x to the power 1/2, गुड। तो इट विल बी 1/2 cos x (−sin x) -1/2, (−sin x to the power 1/2) नहीं बेटा, अब हम cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, जो पावर के नीचे फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उस टाइम पे आपको पावर नहीं देखनी है, ठीक है, सिर्फ कॉस का डेरिवेटिव होगा, दैट इज -(sin x), सो यू कैन राइट इट एज 1/2। अच्छा ये जो एक्स कॉस एक्स टू द पावर माइनस हाफ है, इसको हम डिनोमिनेटर में अंडर रूट के साथ लिख सकते हैं, cos(x), एंड दिस इज -(sin x), ये आपका आंसर हो जाएगा। कीसा आप बताओ, √10x, सर वी कैन राइट इट एज 1/10x^(1/2). ठीक सो है वी कैन गुड, या फिर वी कैन राइट इट एज -10x^(-1/2). -1/2, वेरी गुड वेरी गुड गुड, तो फिर इसमें पहले -1/2 × tan x^(-3/2) वेरी गुड, (sec²x). × sec²x, रिया आपको समझ आया बेटा? ठीक है ये सही है बिल्कुल, 1/2, इसको हम पॉजिटिव पावर में भी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सो इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हो 10x^(3/2), और sec²x न्यूमरेटर में ही रहेगा, ये बिल्कुल ठीक है। cos x √sin x × cos x, ये बताओ बेटा, रिया बताएंगी।
सबसे पहले it'll be 1/2 root sin x into cos x. So हाँ, मैं बाकी 1/2 into root sin x into cos x. 1/2 root sin x into cos x. और फिर उसके कहाँ पर बाद लिखना है बेटा, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर, गुड। हाँ, इसमें पावर एक लेस करेंगे हम, पावर एक पावर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, पावर एक लेस करेंगे तो माइनस हाफ पावर हो जाएगी। माइनस हाफ को अगर डायरेक्टली आप लिखना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हाफ पावर लिख सकते हो, दैट इज रूट एक्स। ओके, देन आगे बताओ बेटा। into sin x into cos x का डिफरेंशिएशन, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा. फिर उसके हाँ, बाद इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। अब साइन एक्स और कॉस एक्स तो मल्टीप्लाई में है, सो हमें प्रोडक्ट रूल करेक्ट अप्लाई करना होगा, और इट प्रोडक्ट रूल विल अप्लाई करेंगे तो हम क्या होगा, कॉस एक्स एज इट इज साइन का डेरिवेटिव जो कि कॉस कॉस एक्स होता है, माइ प्लस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स. फिर साइन उसके एक्स एज इट इज कॉस का डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स। बाद तो कॉस स्क्वायर एक्स सो इट माइनस इज साइन वन एक्स. अपॉन टू रूट साइन एक्स कॉस एक्स एंड दिस इज वट कॉस स्क्वेयर एक्स कॉस टू एंड ये माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स। तीसरा, ये आपको समझ आया यहाँ तक, यस साइन एक्स कॉस एक्स और ये हो जाएगा कॉस टू एक्स। क्लास इलेवन कॉस की आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स क्या होता है, कॉस टू एक्स होता है। टू ठीक है, ओके। सो अभी तक आपको मैंने दो टाइप के डिफरेंशिएशन बताए हैं, एक तो क्या कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह के साथ कोई एंगल में कोई फंक्शन हो, दूसरा किसी फंक्शन की होल पावर हो। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो वाई इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ टू एक्स। कीसा आप बताओ। इसको हम साइन 2x होल क्यूब लिख सकते हैं, एंड देन वी कैन गुड, राइट इट एज 3 sin 2x द पावर 2 वेरी गुड, इनटू कॉस 2 2 cos 2x. टू कॉस टू एक्स। साइन टू एक्स का डेरिवेटिव करेंगे वो कॉस टू एक्स इंटू टू होगा, तो उसको हम टू कॉस टू एक्स लिख सकते हैं। रिया, ठीक है बेटा। सो दिस इज 6 ऑफ साइन टू एक्स होल स्क्वेयर इंटू कॉस टू एक्स। ओके, नेक्स्ट इज वाई इज इक्वल टू रिया, आप बताओ। तो दिस विल बी 1/2 रूट 10 3x. tan 3x का डिफरेंशिएशन, सो इट विल बी secant स्क्वायर 3x इनटू 3x इनटू, स्क्वायर. सो इट इज 2/3 सेकेंड स्क्वायर 3x अपॉन रूट ऑफ 10 3x। नेक्स्ट इज सर 2/3 कैसे है? 3/2 होना चाहिए, है ना, दिस 3 एंड दिस 2, 3/2 होना चाहिए बच्चों, ये मैंने गलत लिख दिया, 3/ इट शुड बी 3/2, करेक्ट। वाई इज इक्वल टू ये बताओ बच्चों, सर इसको सेक फिर वो जो पूरा इक्वेशन है टू होल स्क्वायर लिख सकते हैं. हाँ इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 3x² प्लस में 2x+4 होल स्क्वायर। फिर होगा 2 into sec into 3 x square plus 2 x plus 4
इंटू 6x+2। हाँ, इसकी पावर वन वन हो जाएगी, वन पावर डिक्रीज करेंगे तो इनटू 6x+2 बेटा sec x का भी तो करेंगे, ये तो ओ हाँ हमने पावर का किया है, फिर पावर के नीचे जो हाँ फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो sec को डिफरेंशिएट करेंगे राइट तो sec x का क्या होगा, sec इंटू 10 होता है, हाँ sec के साथ में इसका एंगल एज इट इज रहेगा 3x² प्लस में 2x+4 इंटू 10, उसके साथ भी उसका एंगल सेम रहेगा 3x² + 2x+4। तो जब हम सेक का बाद डेरिवेटिव कर रहे हैं, हाँ, तब उसके बाद उसके एंगल का होगा, दैट इज सिक्स 6x+2, करेक्ट, ये आएगा। तो इसको आप फिर क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, वाओ ये कहाँ से लाया यार, एक मिनट बच्चों, बस एक में आज 30 सेकंड में वापस आ रहा हूँ। हाँ बच्चों, ये समझ आ गया आपको, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। y इज इक्वल टू, अगर आपके पास e टू द पावर कोई फंक्शन आ जाता है, e की पावर में कोई फंक्शन आ जाता है, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर एफ एक्स इंटू पावर का सेपरेट डेरिवेटिव होगा। आपने क्लास 11th में किया था, डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ये ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पर ई टू द पावर एफ एक्स है, ई टू द पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव ऐसे ही एज इट इज ई टू द पावर एफ एक्स ही होगा, इंटू में जो पावर में फंक्शन है उसका सेपरेट डेरिवेटिव होगा, दैट इज एफ डैश एक्स। ये समझ आया, देखो जरा, फॉर सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है ई टू द पावर साइन एक्स, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर साइन ऑफ e टू एक्स द एज इट पावर इज साइन एक्स इंटू कॉस है इंटू पावर का सेपरेट डेरिवेटिव, साइन का सेपरेट डेरिवेटिव विच इज कॉस एक्स, ठीक है, ये होगा। रिया समझ आया बेटा, यस सर आप ये बताओ e टू द पावर x² + 2x + 3 क्या होगा इसका डेरिवेटिव, इसका होगा e टू द पावर x² + 2x+3 इंटू 2x+2 इंटू 2x+2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से 2 आप कॉमन ले लें, सो इट इज x+1 इंटू ई टू द पावर x² + 2x+3, ठीक है। ईसा ये बताओ ई टू द पावर √x, सर ई टू द पावर √x इंटू 1/2 √x हाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर √x, ई का एज इट इज रहेगा, इंटू √x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या होगा, पावर आगे पावर एक कम, एक्स टू द पावर -r, जिसको आप क्या लिख सकते हो ई टू द पावर √x 1/2, और एक्स टू द पावर माइनस आपको आप डिनोमिनेटर में √x लिख सकते हो, रिया e टू द पावर 1/x, सो ई टू द पावर 1x इनटू 1/x -1/x² इंटू -1/x², क्योंकि 1/x का मैंने बिगनिंग में भी बताया था आपको, आपको आता होगा, वन यस अपॉन एक्स का डेरिवेटिव सेपरेट होगा जो कि क्या होता है -1/x². ऐसा ये ठीक है बेटा, यस ओके। अगर मैं इस ऐसा क्वेश्चन लिख देता हूं, y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन ऑफ 3x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, सर ई टू द पावर साइन 3x इंटू 3 cos 3x इंटू 3 cos 3x, क्योंकि जब हम साइन 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो cos 3x इंटू 3 होगा, ठीक है, गुड, कर लोगे ऐसे सम।
यस सर, y इज इक्वल टू e टू द पावर, सॉरी इसको, हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं। y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है। ए एक्स लॉग ए आई थिंक ए एक्स ए टू द पावर एक्स लॉग ए ए टू द पावर एक्स लॉग, अगर इसकी पावर में कोई फंक्शन आ जाए, ई टू द पावर सॉरी ए टू द पावर में कोई अगर अलग एक्स से अलग कोई फंक्शन आ जाता है तो डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एफ एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ये तो ए का होता है, ए का डेरिवेटिव होता है ये तो, इंटू में एफ एक्स का सेपरेट डेरिवेटिव भी होगा, दैट इज एफ डैश एक्स, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन एक्स, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, तो इसको इसका होगा ए टू द पावर साइन एक्स इनटू लॉग ए इनटू कॉस एक्स ए टू द पावर साइन एक्स इनटू लॉग ए इनटू इंटू लॉग ए। कॉस रिया कहाँ कहाँ पर रहते हैं बेटे आप, एक्स। सो आई लिव इन चैप्टर 11। सेक्टर 11? तो बहुत दूर से आते हो, तो जरूरी है, 15 मिनट ही लगते हैं। बुकिंग लास्ट नेम क्या लगाते हो आप, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा लगा था कि शायद सेक्टर 11 का तो नहीं, पर इस रिया को मैं जानता हूँ, मुझे लगा कहीं आपका ही रिया तो नहीं है, बट उसका लास्ट नेम मुझे याद नहीं, तो आई एम नॉट श्योर कि बाई नेम जानता हूँ मैं उनको कि मैं वैसे तो। हाँ कहाँ थे बच्चों, हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे थे, ए टू द पावर साइन एक्स लॉग ऑफ ए कॉस ऑफ क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स, इसमें कोई डाउट तो नहीं। नो अच्छा वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन ऑफ, अगर मैं यहाँ 2x कर देता तो इसमें क्या चेंज आता बच्चों, टू कॉस 2x हो जाता है। हाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन ऑफ एक्स लॉग ऑफ ए कॉस सर साइन ऑफ 2x साइन ऑफ 2x इंटू 2, तो कॉस ऑफ 2x इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। यस हाँ सर, और ट्रांसिएशन में ए की पावर में। मैंने वो करेक्ट कर दिया बेटा, हाँ सॉरी, वो मेरा नेट लैग कर रहा है। रिया आप बताओ, y इज इक्वल टू ए टू द पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर, तो इसका होगा ए टैन एक्स स्क्वायर इनटू लॉग ए इनटू सीकेंट स्क्वायर एक्स की पावर है 2। नो, 2 नीचे आ यस यस जाएगा। यस बेटा यस, ठीक है ठीक कर रहे हो, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर एक्स ही होता है, एक्स स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, इंटू में एक्स स्क्वेयर का सेपरेट डेरिवेटिव होगा, इनटू टू दैट इज 2x, ठीक है। 2x को आप बिगनिंग में लिख सकते हो, 2x को आप बिगनिंग में लिख सकते हो, ठीक है। ए ए टू द पावर टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर लॉग ऑफ ए इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। की सर ये आपको समझ आया बेटा, यस y इज इक्वल टू ए टू द पावर रूट ऑफ साइन एक्स, किसा बताएंगी। सर, इसका होगा ए टू द पावर रूट साइन एक्स इंटू लॉग ए इंटू ठीक है बेटे, गुड, देन आह
रूट साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना बेटे, तो रूट साइन एक्स में तो साइन के ऊपर पावर है, तो साइन एक्स टू द पावर 1/2 वन बाई टू साइन एक्स टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगी बेटे, पावर हाँ डिक्रीज वन हो बाय जाएगी टू बाई वन, साइन तो हाफ पावर में से हाँ माइनस करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, इनटू जो पावर के नीचे फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज कॉस एक्स। कॉस है तो ये हमारा हो गया ए टू द पावर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ए इंटू कॉस एक्स, और ये जो साइन की पावर है इसको हम नीचे रूट साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नेक्स्ट है बच्चों, जरा देखो वाई इज इक्वल टू, अगर कुछ आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वाई इज इक्वल टू लॉग के साथ में कोई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जैसे तो सबसे पहले 1/f(x) इनटू f(x) का डिफरेंशिएशन हाँ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, लास्ट क्लास में हमने 11th में किया था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। ठीक है, सो डीवाई बाई डी एक्स सबसे पहले हम लॉग के रिस्पेक्ट में करेंगे, लॉग के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लॉग के साथ में जो भी टर्म उसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 1/f(x)। ठीक है, लॉग का डेरिवेटिव होगा तो ये f(x) कहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/ हो जाएगा इंटू f(x) इस फंक्शन का सेपरेट डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे यहां पर हुआ था लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1/x, तो लॉग के साथ में एक्स था तो एक्स को हमने 1/ में लिखा, ऐसे ही लॉग एफ एक्स में भी एफ एक्स को 1/ में लिखेंगे, इंटू में एफ एक्स का सेपरेट डेरिवेटिव होगा। करेक्ट, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। ईशा आप बताओ, सर। इसका होगा 1/sin x इंटू कॉस एक्स 1/sin x इंटू कॉस एक्स, गुड, सो इट इज कॉट एक्स। हाँ कॉट एक्स रिया आप बताओ, ये सर। इसका होगा 1/√cos x dy/dx इज इक्वल टू 1/√cos x 1/√cos x इनटू 1/2√cos x इंटू 1/2√cos x इनटू -sin x इंटू -sin x, तो व्हाट इज इट, माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन टू, ये रूट कॉस टू एक्स और रूट कॉस एक्स मिलके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कॉस होके 2 cos x हो जाएगा। की सही समझ आया बेटा आपको? यस सर। ओके okay. अच्छा एक बात और बताओ, आपने लॉग की प्रॉपर्टीज स्टडी की है पहले 11th क्लास में? तो ज्यादा नहीं, बस एक दो ही करी है। सर दो तीन ही होती है बच्चों, लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम प्लस लॉग एन, वेरी गुड, लॉग ऑफ एम अपॉन एन क्या होता है, log of m minus log n माइनस लॉग ऑफ एन, गुड, लॉग ऑफ एम टू द पावर एन क्या होता है, n log m एन लॉग एम, गुड। ठीक है, शाबाश। अच्छा तो हम इस क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, जो अभी आपने क्वेश्चन किया इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये कॉस एक्स टू द पावर हाफ है। ठीक है, कॉस एक्स टू द पावर क्या है, हाफ, रूट कॉस एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो, सो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो ये क्या हो गया कि जो पावर पावर होती है वो आगे मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो आप, ये डिफरेंशिएशन का रूल नहीं है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, राइट? तो विदाउट एनी डिफरेंशिएशन आप ऐसा लिख सकते हो, हाफ लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये समझ आया? और ये वाई वाई ही है, ये अभी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx लिखेंगे,
अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स, 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में होता है तो एज इट इज रहता है, log cos x को डिफरेंशिएट करेंगे सो क्या होगा, 1/cos x इंटू कॉस का डेरिवेटिव होगा, दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स, सो इट इज -1/2 sin x / cos x. साइन अपॉन कॉस को भी डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, टेन एक्स लिख सकते हो, ठीक है. तो जो आपका आंसर आया था -1/2 tan x, वही आंसर आ गया, ठीक है. सो लॉग की टर्म साथ में, तो आप प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो बच्चों. नेक्स्ट लिखो जरा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ईसा, आप बताओ क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx. बच्चों आप लेफ्ट साइड में dy अपॉन dx लिखते हो ना. यस सर, सर इसका होगा 1/x² प्लस 2x + 3 इंटू 2x + 2. 2x + 2, गुड, वेरी गुड, ठीक है. रिया क्लियर हुआ बेटा? यस सर. ओके नेक्स्ट इज, कौन बताएगा? तो इसमें होगा 1/x + 2x इनटू 1 + 1/2 √x. दिस, ठीक है, शाबाश, गुड. सो 1/x + √x, इसको आप एलसीएम लेते हो तो 2√x + 1 हो जाएगा, अपॉन में 2√x, या वैसे ही छोड़ दो. या वैसे ही छोड़ सकते हो. ईसा एक सम बताना है बेटे आपको, x+√x² + 1. अच्छा आप दोनों सेपरेटली करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप दोनों अपने नोटबुक से सेपरेटली करो, करने के बाद मुझे बताना. मुश्किल लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है. हो गया. हो गया, एक बार नोटबुक ऐसे करना मीटिंग. बेटे आपने थोड़ा सा ना सम को गलत नोट कर लिया, ये रूट बेटा होल यहां पर यहां तक है, तो सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया हुआ, ये रूट बेटा इस पूरे पे है. ओके सर, मैंने कर लिया कि नहीं? श्योर. दिखाओ. तो सर बस नीचे डिफरेंस आएगा ना, वो √x² + 1 एक जाएगा. यस बोलो बेटा, तीसरा एक बार यस बोलो, यस सर. थोड़ा जोर से बोलो. यस सर. हाँ होल्ड करके रखो नोटबुक को. बेटा हाँ, थोड़ा ब्लर आ रहा है, वैसे ठीक लग रहा है बेटे, ठीक है हटा लो. हाँ, रिया कुछ कह रहे थे बेटा बीच में आप. यस सर, आई वाज सेइंग दैट बस ये रूट फिर नीचे +1 हो जाएगा, और फिर ऊपर तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि 1 का तो 0 ही होता है. एक बार बच्चों मैं करता हूँ, आप अपना अच्छे से मैच कर लेना, अगर आपका उसी तरह है या कुछ अलग है. देखो
लॉग का हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, लॉग के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। तो वन अपॉन हो गया ये इनटू में। अब हम इस लॉग के साथ वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें सबसे पहले एक्स का डेरिवेटिव होगा, सो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन प्लस। अब हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके ऊपर हाफ पावर है, रूट है, सो सबसे वन पहले फोर पावर आगे आएगी और पावर एक कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी तो माइनस हाफ हो जाएगी, माइनस हाफ होगा तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर जो आप ये रूट लगाएंगे बच्चों, ये पूरा रूट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन तक आना चाहिए ये रूट आपका, इंटू, हाँ इंटू। अब जो पावर के नीचे फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट विल बी 2x, ये आएगा। यही किया है आप लोगों ने, ओके। यस सर, अगर नहीं ऐसा है मैंने तो टू ठीक है, एक्स नहीं लिखा था। हाँ 2x भी आएगा बेटा यहाँ पर, तो 2x में से 2 को कैंसिल कर दो आप, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू, यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन आपका एलसीएम होगा, इसको आप एलसीएम लेंगे तो एल, ये डिनोमिनेटर आपका वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस में एक्स दिस, ये आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। अब बच्चों देखो ये नो टर्म सर, न्यूमरेटर में जो ये टर्म है एक्स प्लस दिस, एक्स प्लस दिस, और डिनोमिनेटर में भी एक्स प्लस दिस, ये कंप्लीट टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चले आगे। चलो बच्चे इसको डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आता है। हो गया, यही सेम आया है, गया सर, गुड। फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं करना ना। नहीं, फर्दर कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना बेटा, चलो बच्चों ये थोड़ा सा मुश्किल सम देता हूँ। अच्छा उससे पहले एक सम करके दिखाओ मुझे, जरा ये क्वेश्चन दे के दिखाओ। वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये रूट लास्ट तक है बेटा,
सर मैंने ट्राई किया है बट आई डोंट नो इफ इट्स राइट और नॉट। कैसा आप आपसे हुआ बेटा? सर हो गया पर पता नहीं सही है या चलो नहीं। मैं करता हूँ, आप मैच करना। dy/dx, सबसे पहले ये जो हाफ पावर है ये बाहर वाला रूट इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, तो ये बाकी बचेगा हमारे पास साइन ऑफ √ax + b। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट हाफ पावर है रूट है उसके रिस्पेक्ट में होगा तो पावर आगे मल्टीप्लाई में लिखेंगे और पावर एक लेस कर देंगे, तो हाफ पावर में से एक लेस करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। उसके बाद हम इस साइन फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, जो पावर के नीचे फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले ही साइन का डेरिवेटिव होगा और साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस। तो जब साइन का डेरिवेटिव होगा साथ में उसका एंगल एज इट इज रहेगा, ये जो √ax + b है साइन का एंगल है सो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, √ax + b है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इनटू में अब जब साइन का हम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो साइन का हो गया, फिर उसके एंगल का होगा, उसके एंगल में क्या है, साइन के एंगल में क्या है, ax + b/√। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो इसकी पावर आगे मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, ax + b/-1। और पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव होगा सो ax + b का डेरिवेटिव होगा √ a। ये आपको अपने से मैच करो कि आपका यही है। गुड, सही है सर। यस सर कीसा आपका क्या, आपका ठीक है बेटा? यस सर सही है। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, जैसे 2 एंड 2 मिलके क्या हो जाएगा 1/4, ये टर्म डिनोमिनेटर में लिख देंगे रूट के साथ, साइन ऑफ ax + b, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, डेरिवेटिव तो हमारा हो चुका है। ये ऊपर आएगा a into this, तो a को पहले लिख देंगे और cos ऑफ √ax + b, ये जो टर्म है ax + b जिसपे हाफ पावर है माइनस हाफ पावर है वो डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी ax + b। ठीक है, चलें बच्चों आगे। y = sin of, चलो इसको ट्राई करो एक बार। हो गया सर। मैच करो बेटा, मैच करो, ये आया आपका? सर रूट के अंदर का डिफरेंसिएशन करना भूल गए। हाँ, ये रूट के अंदर का भी डेरिवेटिव होगा बेटा, पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम होगी, फिर वो पावर के नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos ax + b होगा, लेकिन ax + b का भी करना है वो √ a आएगा। सो फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये टर्म हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, बाकी तो कोई और है नहीं डिनोमिनेटर में लिखने के लिए, √ sin of ax + b, दिस वन 1/2 रहेगा, ये टर्म नीचे आएगी है ना, अंडर रूट के साथ sin of ax + b cos of ax + b √ a, ए को चाहो तो आप बिगनिंग में लिख सकते हो। ठीक है,
चलो एक थोड़ा सिंपल सा, इससे बेटर है, इससे सिंपल क्वेश्चन है. वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ये वाला करके बताओ. हो गया सर, हो गया सर। मैच करो बच्चों. सबसे पहले इस साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस होगा, ये एस एज इट इज रहेगा, साइन ऑफ रूट एक्स एज इट इज रहेगा. फिर इसके इस साइन के एंगल का करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा, ये रूट के टर्म है तो इसकी पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, साइन रूट एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगी. फिर जो ये रूट के अंडर जो पावर टर्म है उसका करेंगे, साइन रूट एक्स का करेंगे तो कॉस रूट एक्स हो जाएगा, और फिर जब साइन रूट एक्स का करेंगे तो इसके एंगल का भी होगा, रूट एक्स का भी होगा, दैट इज 1/2 रूट एक्स, ये आना चाहिए. आया आपका ये? तो यस सर। ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, 4. ठीक है, ये टर्म डिनोमिनेटर में रहेगी और ये रहेगी, रूट एक्स इंटू ये वाली टर्म भी डिनोमिनेटर में आएगी, साइन रूट एक्स का होल रूट. न्यूमरेटर में हमारे पास रहेगा कॉस साइन ऑफ रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स इंटू में आएगा. चलो एक इजी क्वेश्चन देता हूँ. वाई इज इक्वल टू 1/ एक्स स्क्वायर -3x+5 का होल क्यूब, ये बताओ. हो गया सर। हो गया बेटा, यस सर। पहले इस पावर को -3 बना के लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे. -3 आगे आ गया, x² + 3x+5 raised to power -4 हो जाएगा, इंटू में जो पावर के नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव होगा 2x+3, सो इट इज 2x+3/ तो -3 भी तो होगा ना। -3 भी होगा बेटा. ये आना चाहिए, ईसा ही आया है बेटा. सर क्वेश्चन में -3 दिया तो हमने लाइक डिनोमिनेटर में -3 दिया तो हमने +3 कैसे लिखा होगा। बेटा डिनोमिनेटर में -3 नहीं था, डिनोमिनेटर में 3 था, हम इसको नहीं न्यूमरेटर में जो लेके गए. फंक्शन आप लाइक जो x² - 3x लिखा हुआ है ना तो अच्छा, वहां पर हमने मैंने प्लस मिस्टेक कर थ्री दी, वहां पर मैंने मिस्टेक कर दी, तो ये माइनस ही रहेगा अभी, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में ही थोड़ा चेंज कर देता हूँ. फिर आप, आपने माइनस से किया था, आप माइनस से कर लो उसको. ठीक है, क्वेश्चन में माइनस था तो यहाँ यस पर माइनस ही रहेगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा. ठीक है, हो गया यहाँ तक. यस सर। ऑल राइट, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको. वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस, सॉरी साइन एक्स नहीं, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. आपको प्रूव करना है dy/dx + y²+1 = 0, ये प्रूव करना है. ठीक है, देखो जरा, आपने नहीं करना, मैं करवाऊंगा. देखो बच्चों जरा,
आता है किसी को ये? वैसे किसी ने पहले किया हुआ है ये सब? नहीं आता। ओके देखो, इसमें पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस एक्स से डिवाइड करो, करो साथ साथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस एक्स से डिवाइड कर दो। तो यहां पर हो जाएगा 1, 1 यहां पर minus टेन एक्स हो जाएगा। गुड, tan x upon ये 1 प्लस में टेन एक्स, सो डीवाई बाई टी एक्स क्या हो जाएगा आपका? ये किसकी आइडेंटिटी है? होती की साहब बताओ किसकी आइडेंटिटी है ये? tan 2x tan 2x के या पता कुछ नहीं। रिया, ये टेन टू एक्स की नहीं है बेटा। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी लास्ट ईयर, 10π/4 - x, हाँ यस तो ये भी कर सकते हैं तो इसको वन भी माइनस नहीं, भी नहीं आएगा बेटा वहां पर, ये तो भी टेन नहीं, फाइव है फोर यही माइनस टेन आइडेंटिटी एक्स होती है इसकी ना। 10π/4 - कोई और नहीं होती है बेटा, यही एक आइडेंटिटी है। 1 - 1 + 10π/4 × 10x। 10π/4 इज 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। ये समझ आया? तो ये किसकी आइडेंटिटी है? 10π/4 - x की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर आप, अच्छा अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, अभी ये y के इक्वल ही है, अभी ये y के इक्वल ही चल रहा है। y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 5/4 - x। नाउ यू विल डिफरेंशिएट इट, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ टेंजेंट का डेरिवेटिव। सीक्वेंस सीकेंट स्क्वायर, तो यहां पर रहेगा 5/4 - x, इनटू में कुछ और भी आएगा। तो एंगल का भी करेंगे ना हाँ, इनटू में 5/4 - x का करेंगे, दैट विल बी 0 - 1, क्योंकि 5/4 का 0 और x का -1। सो dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ सीकेंट स्क्वायर 5/4 - x, ऐसा लिख सकते हैं हम इस। एंड dy बाई डी एक्स, इसको लेफ्ट में ले आए क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें राइट में तो कुछ भी नहीं है, राइट में तो 0 है, तो इसको लेफ्ट में dy बाई डी एक्स वाली साइड में ले आते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 5/4 - x, दैट इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अच्छा, आपने क्लास 10th में एक आइडेंटिटी की होगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 + tan² थीटा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा को क्या लिखोगे? 1 + tan² 5/4 - x, दैट इज इक्वल टू 0। एंड बच्चों एक बार जरा यहां देखो, यहां तक लिख दिया आपने, एक बार जरा यहां देखो, y क्या यस था? y क्या था? टेंजेंट 5/4 - x। तो ये टेंजेंट स्क्वेयर 5/4 - x है, तो इसके जगह हम वाई स्क्वेयर लिख सकते हैं क्या? इसके जगह हम लिखेंगे वाई स्क्वेयर। ईसा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नो सर +1 = 0, यही हमें प्रूव करना था। बुक है आपके पास एनसीईआरटी? यस सर क्वेश्चन किए हुए हैं आपने पहले, अपनी बुक से क्वेश्चन किए हुए हैं? स्कूल में चैप्टर वाला खत्म हो गया है पर इतने अच्छे से समझ नहीं आया था आपने एक्सरसाइज 5.2 पहले खुद से की हुई है?
खुद से नहीं किया। नहीं चलो निकालो एक बार जरा, एक्सरसाइज 5.2 निकालो। करना स्टार्ट करो उसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, करो अपने आप से करो, पीछे आंसर चेक करते जाओ बच्चों, जो इसमें कोई प्रॉब्लम आती हो मुझे बताओ। फर्स्ट हो गया, यस सर। आंसर आना चाहिए आपका 2x into cos x² + 5। यस सर। रिया हो गया बेटा, यस सर। हम बोलिए सेकंड बोलिए। बच्चों मेरे कहाँ, को आंसर नहीं आ रहा। सिक्स का, सॉरी फिफ्थ। यस बस बेटा 1 मिनट दे दो फिर मुझे। सर। तो मेरे से सेवेंथ नहीं हो रहा। इनटू में या सी हो रहेगा, फिफ्थ वाले का आंसर हो आ गया आपका। क्वेश्चन 2 लगाया ना उसमें आपने, ओके। सिक्स यस। y = cos(x³)(sin²x⁵), dy/dx = पहले आपने किसका किया है, कॉस का किया है या साइन का किया है? पहले कॉस का किया है, कॉस का किया है, तो कॉस का हो जाएगा -sin(x³)(3x²), ये समझ आया। इनटू में सेकंड वाली टर्म एज इट इज रहेगी, है ना? यस सर। अच्छा, प्लस फिर क्या होगा, अब cos x³ वैसे ही रहेगा और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले इसकी जो पावर है वो मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी, 2 sin x⁵, 2 sin(x⁵) into cos(x⁵) into 5x⁴, ये समझ आया बच्चों? यस सर। गॉट इट। मैंने आपका हो ये जाएगा कॉस माइनस, एक्स स्किप कर दिया था सर। यस बच्चों एक बार देखना जरा, यहाँ पर एक बार जरा यहाँ देखो, ये cos x³ तो एज इट इज रहेगा और ये 5x⁴ भी एज इट इज रखे के हम।
अच्छा तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बाकी बचा 2 sin x5, 2 sin x5 इंटू कॉस एक्स फाइव, sin 2x5। वेरी गुड, sin 2x5 बन जाएगा ये। तो ये आपकी ये वाली टर्म एंड ये कंबाइन होके sin 2 into x5, ये आइडेंटिटी होती है, क्लास 11 की आइडेंटिटी है, 2 sin a cos a sin 2a। अब देखो आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है। थोड़ा समझ आ गया। कीसा कंप्लीट हो गया बेटा ये आपका, यस सर। सही आंसर मैच कर रहा है आपका। पहली बारी में गलत आ रहा था पर अब मैच कर रहा है। ओके गुड, ठीक है, शाबाश, कंटिन्यू करो। देखो बच्चों, जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में या तो आप जस्ट डिफरेंशिएट करने के बाद छोड़ दो इसी स्टेप पे, तो मैंने यही तक यहीं तक। अगर पीछे आपको से पीछे का आंसर मैच करवाना है तो देखो कैसे होगा, देखो एक बार पीछे आंसर देखो क्या है। तो उससे मैच नहीं हो रहा। इट्स मैच नहीं हो रहा ना, √2x अपॉन sin²x √sin²x। तो देखो नीचे कॉसेक और कॉट की टर्म में तो कोई आंसर ही नहीं है पीछे, तो फिर हम इसको सबको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो क्या होगा उसके अकॉर्डिंग, 1 अपॉन, देखो ये रूट, इसको क्या लिखेंगे, साइन ऑफ, सॉरी कॉस x² रूट ऑफ कॉस स्क्वेयर अपॉन रूट ऑफ साइन x², यही लिखेंगे। इनटू में यस। कॉस x² है, कॉस x² को, अच्छा माइनस को तो बिगनिंग में ही रख देते हैं, 2x को भी बिगनिंग में लिख देते हैं, कॉस x² को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर सर एक्स स्क्वेयर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू -2x/, एक बार ये इसको देख लो बेटा वरना ये समझ नहीं आएगा। अच्छा ये साइन साइन एक्स स्क्वेयर की हाफ पावर है और ये साइन एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है, 2 पावर है, तो यस। हाफ पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास कॉस x² रूट इंटू, यहाँ पर 2 पावर है, हाफ पावर कैंसिल हो गई तो कितनी पावर बचेगी, यहाँ पर साइनस पावर बचेगी 3/2 एक्स, ये समझ आया, दिस इज -2x/√ ऑफ कॉस x², इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रूट ऑफ साइन x², ये तो हाफ पावर हो गई, 3/2 पावर को स्प्लिट कर दो, 1 पावर एंड हाफ पावर, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, साइन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, जो 3/2 पावर थी उसको हाफ पावर और 1 पावर में स्प्लिट कर दिया, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो -2x/, दिस इज व्हाट, इन दोनों को कंबाइंड लिख सकते हो आप, sin x² cos x² ठीक है, और एक मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये डिनोमिनेटर में √2 हो गया, तो इनटू में भी आपको √2 करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, और एक टर्म हमारे पास sin x², सो न्यूमरेटर में अब क्या हो गया, -2√2x/, इसको क्या लिख सकते हो आप, रूट ऑफ sin²। sin2x² इंटू sin x², आप चेक करो मैच करता है क्या, मैच कर रहा है ना, हाँ यही है, ठीक है, की सही है, आपको समझ आया बेटा, क्या मैं दोबारा समझाऊं, नहीं सर, आगे सर। ठीक है, इसको आप करके देखना, नहीं आए तो मुझे नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछ लेना। चलो आगे, यस सर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन,
ठीक है बच्चों, हो गया ये? यस सर, अच्छा, तीसरा आपका हो गया। यस सर। चलो 5.4 पे आ जाओ बच्चों, एक बार जरा से एक्सरसाइज 5.4। मिल गया आपको 5.4 पेज नंबर? मेरी बुक में तो अलग होगा, मेरी पुरानी बुक है। यस सर, मिल गया। ए टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, कैसे करेंगे इसको? सर इसको सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन रूल, लगाएंगे। हाँ क्वेश्चन रूल यस लगाएं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वेयर हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, ये एक्स का। करो करो जल्दी जल्दी करो। बच्चों एक बार कुछ फॉर्मूले लिख लो साइड में। बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/(1 − x²). डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, −1/(√1 − x²). दोनों का डेरिवेटिव ऑलमोस्ट सेम होता है, बट एक माइनस साइन का डिफरेंस है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, लिख नोट कर लिया आपने? ठीक यस सर। और मेरी बुक में फोर्थ क्वेश्चन कुछ और दिया हुआ है। अच्छा, कैसा आपके क्वेश्चन में साइंस से नवीं मल्टीप्लाई वाली बुक होगी ना बच्चों? है? यस सर। मैं अभी आपको लेसन पे आता हूँ। अगर ये सब अगर मान लो हो तो इसको भी कर लो, वैसे क्वेश्चन नंबर मत डालो उस पे, वैसे इसको भी कर लो। इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर मत डालो बच्चों उसको, वैसे बिना क्वेश्चन नंबर डाले कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 हटाने का क्या मतलब हो सकता है? क्वेश्चन नंबर, अच्छा, आपकी बुक में क्वेश्चन साइन दिया है क्या यहाँ पर? मैंने यस सर, गलत नोट कर लिया यस सर। बच्चों,
मैंने वो गलत नोट कर लिया क्वेश्चन. y इज इक्वल टू साइन ऑफ, वही है क्वेश्चन, साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स. क्वेश्चन मैंने गलत नोट कर लिया बच्चों. कॉस ऑफ टेंजेंट इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स वन अपॉन वन होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, ये होना चाहिए. ये आंसर आना चाहिए बच्चों आपका, चेक करो जरा. सर व्हाट अबाउट क्वेश्चन फाइव? सॉरी बेटा सर क्वेश्चन फाइव छोड़ दिया मैंने, क्या हो रहा है आज मुझे ये? ईसा कौन से सम पे हो बेटा? सर सिक्स वाला. ओके करो, शाबाश, गुड. डाउट बेटा कैसा? सेकेंड लास्ट स्टेप में हम हाउ डिड वी गेट ई टू द पावर एक्स अंडर रूट एक्स इनटू लाइक टू द पावर होल टू द पावर वन बाय दिस वन या दिस वन? नीचे वाला. इसमें? हाँ. ओके देखो बेटा, e टू द पावर रूट एक्स इसका क्या मतलब है, इसकी क्या पावर है? हाँ, वन पावर है. यस सर. और इसकी पावर क्या है? माइनस हाफ. माइनस हाफ. तो दोनों में बेसिस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी. ओ हाँ गुड. तो इट इज हाफ. सर नाइन्थ वाले में
मैंने बस क्वेश्चन रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दिया, मेरे को उसके आगे सिंपलीफाई कैसे करना है वो समझ नहीं। थैंक एक मिनट दो, यू। एक मिनट दे दो बेटा बस। ईसा 8th हो गया बेटा। यस सर। चलो फिर मैं 9th पे। यस सर। क्वेश्चन टू लगाएंगे बच्चों, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स -1/x into cos माइनस, हाँ फिर कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स का करेंगे 1/x। x। मैंने यहाँ तक कर लिया, मुझे आगे समझ में नहीं। कीसा आपका कहाँ तक हो गया बेटा 9th? सर मेरा भी यही तो। अब एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो एक्स को, एक्स को एलसीएम ले लोगे तो एक्स फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये जाएगा माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, माइनस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स जो आपने एलसीएम लिया था वो नीचे आ जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, आंसर क्या है? तो यही है। ठीक यही है 10th क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और करोगे यस सर, हो गया। आगे, आगे करोगे या नहीं करोगे अभी? आगे सर थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कर ठीक है आप बताओ। सकते हैं सर। ओके तो हम 5.3 स्टार्ट कर दें। यस सर। 5.3 में क्या है सर? सॉरी, 5.3 में क्या है? सिंपल ही है बेटा, कैसा तो कुछ ज्यादा मुश्किल वो नहीं। था इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। ठीक हाँ है। कर लें। देखो यस सर। फिर, देखो बच्चों, एक होता है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन? एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, जैसे आपने अभी तक किया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x+3, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन। कैसा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट, जिसमें एक्स की टर्म एक साइड पे हो, वाई की टर्म एक साइड पे हो, दोनों अलग अलग साइड पे हो, ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में साइन एक्स, ठीक है, प्लस में 4, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और इनके डेरिवेटिव तो हम कर चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x+2+0 0 लाइक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x+cos x+0 लाइक, ठीक है, ये कैसे फंक्शन थे? एक्सप्लिसिट फंक्शन थे ये।
ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्लीसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। क्या होते हैं इम्प्लीसिट फंक्शंस बताओ जरा। सो जिसमें एक्स और वाई साथ में दिए हैं। हाँ, जिसमें एक्स और वाई अलग अलग साइड्स पे सेपरेट होने की बजाय क्या हो, इंटरमिक्स हो, जिसमें यस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में साइन एक्स, और हम उनको सेपरेट भी नहीं कर सकते। एक्स और वाई मिक्स हैं, किसी भी साइड पे हो सकते हैं, इंटरमिक्स हैं, और हम उनको सेपरेट भी नहीं कर सकते। ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शंस। ठीक है, सो बच्चों इम्प्लीसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करते हैं देखो जरा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप जब आप वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करते हो तो कैसे करते हो? dy/dx=2x। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करते हो तो 2 x, ठीक है, ऐसा ही लिखते हो ना। और वाई इज इक्वल टू अगर साइन एक्स का स्क्वेयर आ जाए तो क्या करते हो? टू साइन एक्स इनटू कॉस इनटू एक्स। कॉस एक्स, मतलब जब किसी फंक्शन के ऊपर पावर होती है तो पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर मल्टीप्लाई में लिखी जाती है, पावर एक लेस हो जाती है, और फिर जो पावर के नीचे फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव होता है, करेक्ट? यही। अच्छा अगर वाई वाई के ऊपर पावर आ जाए तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप? वाई के ऊपर पावर आ जाए तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? पहले पावर तो मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी, dy/dx पावर को एक लेस कर देंगे, 3y² और फिर जो पावर के नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, वाई का डेरिवेटिव करेंगे, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx। समझ आया है? इनटू dy। बस ये आपको इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना है, बाकी कुछ नया नहीं है उसमें। ठीक है, ईसा आपको समझ आया बेटा? यस सर। जैसे एक्सरसाइज 5.3, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 2x+3y इज इक्वल टू 2x+3y इज इक्वल टू साइन एक्स। 2+3 dy/dx=cos x। हाँ, पहले 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 3 × y का डेरिवेटिव करेंगे जो dy/dx होता है, इक्वल टू साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन फाइंड करना है, तो हम dy अपॉन dx के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे, और जितनी भी विदाउट cos x dy अपॉन dx करना है, -2y3। हाँ विदाउट dy अपॉन dx वाली सभी टर्म्स को हम राइट पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो dy/dx कितना आ जाएगा हमारा, cos x - 2/3। किस साइज क्वेश्चन में प्रॉब्लम बेटा कोई? नो सर। सेकेंड क्वेश्चन, 2x+3y, फर्स्ट पूरा हो गया कीसा? हाँ, सेकेंड लिखो जरा, 2x+3y इज इक्वल टू साइन वाई, तो सो टू प्लस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x का डेरिवेटिव होगा 2 × 1, 3 × y का डेरिवेटिव cos होगा 3 × dy/dx, y into sin कांस्टेंट में dy कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव करेंगे हम, दैट इज dy/dx, साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस cos y इंटू इसके into एंगल का भी होगा, दैट इज dy। dy/dx। ये अगर नहीं समझ आया तो बताओ। सो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म्स को एक साइड पे कलेक्ट करो, ठीक है, 2 इज इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 × dy/dx, टू इज कॉमन इक्वल टू कॉस वाई माइनस 3, ठीक है, सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/cos y-3।
कॉस वाई माइनस थ्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, तीसरा क्या होगा इसका डेरिवेटिव बेटा? आ गए आप थर्ड क्वेश्चन पे? यस सर, ए प्लस टू बी वाई डी वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस माइनस साइन वाई डी डी वाई बाई डी एक्स। सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो उसको लेफ्ट में ले आओ, है ना, टू बी वाई डी वाई रहेगा, इक्वल टू माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन लेंगे, सो इट इज टू बी वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, और डी वाई बाई डी एक्स आप क्या लिख सकते हो, दिस वन, ठीक है। बताओ जरा, थर्ड हो गया कंप्लीट? यस सर, यस सर। बेटा 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 इससे प्रोडक्ट टू लगाना है। कीशा आपको समझ आ गई? यस सर। एक्स इंटू वाई पे आपको प्रोडक्ट टू लगाना है, ठीक है। फिर वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स का डेरिवेटिव, उसके बाद डीवाई बाई डी एक्स की सभी टर्म्स को हम लेफ्ट पे कलेक्ट कर लेंगे और डीवाई बाई डी एक्स कॉमन भी ले लेंगे, सो दिस इज एक्स प्लस टू वाई, और राइट हैंड साइड जो डीवाई बाई डी एक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू विदाउट डीवाई बाई डी एक्स राइट हैंड साइड में एक टर्म पहले से ही हमारे पास सेक्स स्क्वेयर एक्स, और इस वाई को हम राइट में लेके जाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये होगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन, ये जो टर्म डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है इसको आप राइट में लिख सकते हो एक्स प्लस टू वाई माइनस वन डिनोमिनेटर में, ठीक है। चले आगे,
हो गया बच्चों, फिफ्थ हो गया। यस ये आंसर आया, चेक करो। यस रिया आपका आ गया बेटा। यस सर, मैं सिक्स वाला ही करूँ। ये इसमें फिफ्थ वाले में ये वाला आंसर चेक कर लिया ना? यस सर, मैंने पीछे से देख लिया था। वैसे इसमें एक्स वाई के साथ आपने प्रोडक्ट रूल लगाया है। देखो कॉस एक्स वाई, पहले कॉस का डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन एक्स वाई, इंटू में फिर एक्स वाई का करेंगे तो एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक्स को एज इट इज रखा, वाई को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस वाई को एज इट इज रखा, एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट है, जीरो होगा। ये हो गया साइन टू वाई, साइन टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसको ओपन करो, सो ये हो जाएगा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ये वाई के साथ ये फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, सो वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की दो टर्म है, डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे, सो साइन ऑफ टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, इस टर्म को आप राइट हैंड साइड पे लिख सकते हो, जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको आप राइट साइड पे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, रिया कितने सम हो गए? ठीक अभी अभी 7 थी क्या? अभी 8 स्टार्ट कर रहे हैं। आपका कितने, कौन सा सम चल रहा है बेटा? समझ सर 7th खत्म हो गया, 8 स्टार्ट। आ गया 7th अच्छे से? करो यस एट वाला ट्राई करो एक बार।
बच्चों आ गया, 8th क्वेश्चन हो गया। यस सर, हो गया। हाँ, 9th नहीं होता 9th हो गया, सर, 9th नहीं आ रहा नहीं सर, नहीं आ। नाइन्थ नहीं है। ओके, ओके y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x2। अच्छा यहाँ पर पुट करो। अच्छा देखो, जो इनवर्स वाले, इनवर्स वाला हम बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको कुछ और करवाता हूँ। मुझे ना थोड़ा उल्टा पुल्टा पढ़ाने की आदत है, जैसे पहले थर्ड एक्सरसाइज, फिर से वो वाली एक्सरसाइज, है ना, पहले फोर्थ फिर थर्ड। देखो बच्चों, अभी मैंने जब हम आगे वाली एक्सरसाइज कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले नोट करवाए थे इनवर्स वाले, आपको याद हो गए क्या, या हम एक बार फिर से लिखें? पर याद तो हो जाएंगे धीरे धीरे। तो साइन इनवर्स एक्स का यस डेरिवेटिव एक बार फिर से लिख लेते हैं, एक बार और लिखोगे तो थोड़ा और याद। बताओ साइन, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। ओ आई एम सो सॉरी, 1 माइनस x2, दिस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, दिस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। -1 अपॉन रूट 1 माइनस x2। एक सेकेंड बेटा, प्लीज जाओ, लेना है तो बाद में लेना। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा? 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x स्क्वायर, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स। -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स टेन, सेकंड x अपॉन 4, सॉरी हाँ x स्क्वायर -1 अपॉन x रूट x स्क्वायर। ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखो जरा एक बार कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आप। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ बेटा, क्या करेंगे? सर इसमें हम सबसे पहले कॉस इनवर्स 2x करेंगे, तो इसमें होगा -1 अपॉन 1 माइनस 4 x स्क्वायर, और फिर 2x यही करेंगे, दैट इज 2। होना चाहिए कीसा, यही होना चाहिए। सर वाई इज इक्वल टू कीसा क्या होगा इसका डेरिवेटिव? सर इसका होगा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर इनटू टू स्क्वेयर नहीं एक्स बेटा, इसका नहीं मैक्सिमम एक्स टू स्क्वेयर द होता है। पावर 4। हाँ, एक्स स्क्वेयर हाँ का एक्स स्क्वेयर टू द करो हमें, पावर हाँ इंटू में इनटू 2x। इंटू 2x, वेरी गुड। सो दिस इज 2x अपॉन 1 प्लस x4। ठीक है, शाबाश बेट। वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स, बताओ इसका डेरिवेटिव। तो इसका होगा सेक्स का होगा, सो 1 अपॉन रूट x अंडर रूट x -1 हाँ, x इसका माइनस स्क्वेयर वन -1 आएगा, यही इंटू आएगा 1 बाय 2 रूट x। इनटू 1 बाय 2 रूट एक्स, वेरी गुड। फोर्थ बताओ, जैसे मैंने गलत कहा, वो इमेज अलग है ना ईशा, ऐसा लगा था कि वैसी इमेज है ये, सिमिलर बट वो इमेज अलग है, सिमिलर है, बट ऐसा मुझे लगा था कि शायद एग्जैक्ट सेम है, बट सेम नहीं है, आप डिफ्रेंशिएट हो पा रहे हैं। पान्या
सर कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। हम कहाँ तक कर लिए बेटा हमने? सर आपने मेरे को 5.2 5.3 होमवर्क में करने को दिया था, वो मैंने कर लिया था। क्वेश्चन 7 नहीं, एक का आंसर मैच नहीं करा था उसमें। मैं आपको बता देती हूँ, 5.2 और 5.4 में दो क्वेश्चन थे, उनके आंसर्स नहीं मैच करे थे, एक एक ईच एक्सरसाइज, बाकी सब मैच कर रहे आप इन दोनों को जानते हो? थे। यस सर। इसमें आपके बेस्ट फ्रेंड है कोई? तो बेस्ट फ्रेंड नेबर वो बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ अच्छा, गुड। ये फोर्थ वाला समझ आया बच्चों आपको? यस सर, आ गया। यस सर, चलो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे फिर, है ना? क्या था हमारी नेक्स्ट क्लास? पता नहीं आपको पता, राजेश सर अच्छा, से आपकी पूछ। अकाउंट्स कब कब होती है? ट्यूसडे? अकाउंट हमारे होते हैं ट्यूजडे है। एंड एंड सैटरडे। फ्राइडे? ट्यूसडे एंड फ्राइडे। अच्छा, आज है, आज क्या है? वेंसडे। वेंसडे है, तो कल हो सकती है ना? हमारी तो कल हमारी मैथ्स की मैट्रिक्स की क्लास है, अलग अलग चल रही है। वो मैथ की राजेश सर वाली क्लास है। ट्यूजडे अच्छा चलो, कर होगी। राजेश सर के साथ मैं डिस्कस कर लूंगा। तब यस सर, ओके। ओके तक बच्चों आप क्या करोगे, क्या करोगे? मैं कुछ काम भेजता हूँ आपको करना। सर, थैंक ओके ओके बच्चों, यू ओके सर, हैव अ बाय। नाइस। ओके ओके बेटा, थैंक यू। आने कैमरा हाँ जी सर, ऑन करो बेटा। यस सर, हेलो। हेलो बेटा, कहाँ तक कर लिया था बेटा हमने? एक बार फिर से बताओ। 5.4 और 5.2 होमवर्क के लिए दी थी ना आपने, वो मैंने कर हाँ दी। तो उसमें एक क्वेश्चन 7 तो मैंने आपको भेजा था कि वो सिंपलीफाई कैसे करेंगे, वो आप बता दो। मैं करवा देता हूँ भाई। और है उसका आंसर पीछे से मैच नहीं करा, मैं भेज रही हूँ आपको। वो भी क्वेश्चन 7 है, बस वो दूसरी एक्सरसाइज का। पहली एक्सरसाइज का 7 देखो, आपका यहाँ तक आया हुआ है। dy by dx is equal to minus of cosecant square -2 cos x² x² अपॉन cot x का होल स्क्वायर। देखो, आपका यहाँ तक आया हुआ है ना? नीचे 2 नहीं है, लेकिन हाँ, नीचे का 2 तो कट चुका ना इससे। नहीं, नीचे मेरे में 2 है ही नहीं, मैंने 2 नहीं। हाँ वो 2 कट गया, सॉरी। बट फिर ऊपर 2 क्यों है? एक और 2x भी तो है। तो 2 क्वेश्चन में दिया था। हाँ, वो तो हो गया, वो क्रॉस आउट हो गया। 2 एंड 1/2 मैंने काट दिया उसके बाद, और उसका 1 into 2। डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज 2x। हाँ, वो है 2x cos x² x² है ये है। बेटा, तो ये वाली टर्म आई हुई है आपकी एज इट इज। हाँ जी, एज इट इज आई हुई है। अब इस कॉट एक्स स्क्वेयर को, कॉट एक्स स्क्वेयर को चेंज कर दो, कॉस एक्स स्क्वेयर अपॉन साइन एक्स स्क्वेयर। ओके और दोनों पे रूट सेपरेट कर दिया, तो तो ठीक कॉट को cos x² upon sin x² लिख लूँ। हाँ जी, हाँ है। हाँ, कॉट एक्स स्क्वेयर को लिख दिया मैंने कॉस एक्स स्क्वेयर अपॉन साइन, क्योंकि कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है, ठीक है। जी, अच्छा, इस कॉस एक्स स्क्वेयर को क्या लिखा? 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वेयर। और 2x तो है हमारे पास। 2x तो ऊपर ही रहेगा, ये रहा। तो इसको मैं 2x upon sin x² divided by cos x। रुको बेटा रुको, साइन एक्स स्क्वेयर, ये साइन एक्स स्क्वेयर रूट का मतलब होता है हाफ पावर,
और ये साइन एक्स स्क्वेयर इसकी वन पावर, ये होल स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर है तो मतलब होल स्क्वेयर है, ये टू हाँ पावर है, तो हाफ पावर यहाँ से कट हो जाएगी इन दोनों की, तो यहाँ पर 3/2 पावर बचेगा, क्या बचेगा 3/2। जी लेकिन हम साइन एक्स स्क्वायर को साइन एक्स क्यों नहीं लिख सकते? हम साइन एक्स स्क्वेयर को, हाँ हमारे पास रूट साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो फिर हम उसे साइन एक्स क्यों नहीं लिख रहे? स्क्वायर और रूट क्यों नहीं काट रहे? बेटा ये सिर्फ एक्स का स्क्वेयर है, पूरे साइन का स्क्वेयर नहीं है, ओ सिर्फ अच्छा, सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, गॉट इट। स्क्वेयर है, जो एक्स के बाद में लिखा जाता है वो सिर्फ एक्स का स्क्वेयर होता है, अगर साइन पूरे का स्क्वेयर होता तो बीच में लिखा जाता है ऐसे, जो बीच अच्छा में स्क्वेयर होता है वो हाँ पूरे का स्क्वेयर होता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वेयर को इससे कट करो तो यहाँ पावर 3/2 बचेगी, यस सर। ठीक है। अच्छा अब ये कॉस रूट एक्स स्क्वेयर है, अच्छा इस 3/2 पावर को दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, एक तो हाफ पावर और एक वन पावर, ये हाफ पावर है और ये वन पावर है, 3/2 क्या होता है 1+1/2, 3/2 को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया हाफ प्लस वन, तो ये हाफ पावर, ये इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इकट्ठा लिख दिया, ओके साइन एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स स्क्वेयर, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है, √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई क्योंकि क्या सर हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया? परीक्षित और पता करना चाहिए आपको, नहीं आंसर तो खुद ही कर लोगे। नहीं हाँ हाँ नहीं बैठ जाओ, खेलना मत बेटे, चल मम्मी को साथ में बिठा देना। हाँ बेटा ये हमने समझ आया, ये क्या हो गया, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया? मैं पूछ रहा हूँ। वो इसलिए के बेटा कि 2 sin x cos x sin 2x होता है, टू हाँ साइन कॉस एक्स साइन 2x होता है, तो 2 था नहीं हमारे पास, उसको लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहां करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, सर, इन सम्स की सिंप्लीफिकेशन इससे ज्यादा टफ है, आंसर तो आ जाता है। अभी हम बाद में एक सम करेंगे जो एक पेज करने के बाद हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक लाइन के अंदर, सिंगल लाइन के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, और सिंगल लाइन में भी सिंगल वर्ड में डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ सर, शायद मिसलेनियस का क्वेश्चन है ना, वो गंदा सा अकड़ चलो लिया वो। ठीक है, ये समझ आया आपको, एंड ये साइन एक्स स्क्वेयर है, इट इज, यही आपका आंसर है, ये साइन 2x बन गया, तो साइन 2x² हो गया, sin 2x ठीक है। अब इसकी जो 5.4 है उसका भी क्वेश्चन नंबर 7। 5.4, उसका भी क्वेश्चन नंबर 7, मैं भेजू मैंने क्या किया है? दिखाओ, ठीक ये वाला है, देख के मुझे बताओ इसमें क्या हुआ, आप भी अपना भेज दो, मैं भेज रही हूँ। अच्छा मेरे पास फोन नहीं है, रहने दो, नहीं देख पाऊंगा, मेरे पास फोन नहीं है, मैं मत भेजो, अच्छा अच्छा ये बताओ इसमें क्या हुआ, देखो पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू e टू द पावर √ दिस, तो पहले रूट का डेरिवेटिव करेंगे, तो उसको हाफ पावर लिख दिया, तो मैंने डायरेक्ट रूट का डेरिवेटिव कर दिया, तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आ गया 1/2 रूट ई रूट एक्स, वो ही डिनोमिनेटर सेम कॉपी हो गई, फिर इनटू ई रूट एक्स। में होगा बेटा, हाँ डिनोमिनेटर में किया, डिनोमिनेटर में हाँ किया, राइट राइट, 1/2 के साथ करा, उसके बाद चेन रूल अप्लाई होगा, तो ई रूट एक्स का डेरिवेटिव ई रूट एक्स होता है वो कर दिया, फिर जो रूट रूट एक्स है उसका डेरिवेटिव होगा चेन रूल के हिसाब से, तो वो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर आ रहा है आपने इसको कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, बस इतना ही फर्क है,
हाँ बाकी सब सेम। तो डिनोमिनेटर का मतलब है कि नीचे हाफ पावर और ऊपर ये वन पावर है, ये वन पावर है ना, ये वन पावर। जैसे हाँ मैं रिकॉर्डिंग पॉज करना या स्टॉप करना भूल गया ना।